नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के बाद जहां विश्व के तमाम देशों में इससे निपटने के लिए सरकार इंतजाम कर रही है, तो वहीं भारत में कोरोना वायरस के मरीज 100 से अधिक पहुंच चुके हैं। इसी के चलते आज दीवानी चौराहे स्थित भारत माता की प्रतिमा पर हिंदू कल्याण महासभा ने एक हवन यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ कोरोना वायरस से हुई भयावह स्थिति से निजात दिलाने के लिए लोगों ने यज्ञ कुंड में आहुति दी। साथ ही कहा है कि हवन के दौरान उन्होंने लौंग, इलायची, हवन सामग्री, कपूर ऐसी चीजों का प्रयोग किया है जिससे वातावरण शुद्ध होता है और कई तरह के रोग उत्पन्न करने वाले जीव खत्म हो जाते हैं, इसलिए कोरोना वायरस भी खत्म होगा। उन्होंने हवन यज्ञ के दौरान भगवान से जल्द इस कोरोना वायरस की प्रकोप को कम करने की प्रार्थना की है। समाचार टी जेड के लिए आगरा से पूजा दास की रिपोर्ट। और क्या नाम आपका? मैं हिंदू कल्याण महासभा से महानगर अध्यक्ष रेखा नागपाल। आपको बताइए, हवा जो महायज्ञ हो रहा है, इस महायज्ञ से कहीं ना कहीं कोरोना को मात मिलेगी? सर बिल्कुल मिलेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वजों के इस समय से यज्ञ को महत्व दिया गया है। यज्ञ में जो आहुतियाँ होती हैं, जिसमें हमने आज लौंग है, इलायची है, कपूर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली हैं जिससे कि आसपास के जो कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, कोरोना वायरस भी कहीं ना कहीं मात खाएगा। और हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो इतनी बड़ी महामारी फैली है, जिससे काफ़ी लोग अभी तक ईश्वर के आंचल में चले गए हैं, मौत की घाट उतर गए हैं, उससे जल्दी से जल्दी निजात दिलाए, यही हमारी प्रार्थना है। सर हवन कर रहे हैं आप, क्यों यह हवन हो रहा है? आज जो हवन यज्ञ हो रहा है, हमारे भारत देश के अंदर आदि आदि काल से जो हमारे सनातन धर्म की पद्धति है, जो हमारे ईश्वरीय शक्ति है, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो ये बता के गए हैं, जो हवन करके गए हैं, आज तक जो आदिकाल से महामारी आती गई है संसार के अंदर, उसको खत्म हुआ है, तो वो हमारे ईश्वरीय शक्ति से हुआ है। जो बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, उस यज्ञ के अंदर जो आहुति दी जाती है, हवन सामग्री है, कपूर है, लौंग है, ये जो वैज्ञानिक पद्धति हमारी भारत देश की है जिससे वातावरण शुद्ध होता है, उसी को देखते हुए आज हिंदू कल्याण महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के संग हमने आज भारत माता के आंचल में एक महायज्ञ का आयोजन किया है। उस यज्ञ के अंदर जो लपटे उठेगी, जो लो निकलेगी, वो इस वायरस को, कोरोना जैसे वायरस को बिल्कुल समाप्त करेगी और संसार के अंदर कहीं ना कहीं शांति कायम होगी, क्योंकि इस यज्ञ से जो शांति निकलेगी, जो ईश्वरीय शक्ति निकलेगी, वो पूरे संसार में फैलेगी और इस संसार इस महामारी से कहीं ना कहीं समाप्ति होगी।